तो दोस्तों अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश छतरपुर के गढ़ा नामक स्थान पर, जो कि आज के समय बागेश्वर धाम के नाम से अति प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये वाली जो पीछे हाईवे दिख रहा है, ये पन्ना छतरपुर का हाईवे है और पन्ना छतरपुर हाईवे से एक अंदर की तरफ बागेश्वर धाम के लिए रास्ता जाती है। यहाँ से बागेश्वर धाम लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ आप ऑटो रिक्शा से आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बागेश्वर धाम के दर्शन करवाते हैं। तो पन्ना छतरपुर हाईवे से अंदर आते ही आपको एक गेट दिखाई पड़ता है, ये गेट ही बागेश्वर धाम का द्वार होता है। यहीं से होकर ही हम बागेश्वर धाम के अंदर जाते हैं। ये जो आप गेट देख पा रहे हैं, आप शायद देख पा रहे हैं हमारे फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, ये मुख्य द्वार है। यहीं से होकर हमको बागेश्वर धाम जाना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं बागेश्वर धाम की ओर। बागेश्वर धाम मंदिर के वर्तमान समय में पुजारी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं। उनकी देखरेख में ही अन्य पुजारी बागेश्वर धाम की सेवा करते हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख रूप से बजरंगबली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम। ये जो आप देख पा रहे हो, ये बागेश्वर धाम का मुख्य द्वार है। यहीं से होकर हम बागेश्वर धाम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बागेश्वर धाम मंदिर में अंदर की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग बागेश्वर धाम के चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे परिक्रमा लगाने के बाद ही दर्शन प्राप्त होते हैं, और आपने जो भी कपड़े लिया हुआ है, जो भी प्रसाद लिया है, उसको हाथ में रखना होता है और चारों तरफ ही परिक्रमा लगाना पड़ता है। तो चलिए अब हम परिक्रमा लगाने के बाद मंदिर में सीधे पहुँच के आप लोगों को हम मंदिर के दर्शन करवाते हैं। बागेश्वर धाम में मंदिर की परिक्रमा करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, ये मंदिर जाने का एक नियम है। मंदिर में 3 तरह के नारियल चढ़ते हैं। पहला लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर, दूसरा पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर, और तीसरा काले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर। लाल रंग के कपड़े में बंधे नारियल से धन संपत्ति और नौकरी, पीले रंग के कपड़े में बंधे नारियल से शादी के लिए, और काले रंग में बंधे नारियल से भूत बाधाओं को दूर करने के लिए, और अपनी मनोकामना एक पर्ची में लिखकर नारियल मंदिर परिसर में बांधा जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बागेश्वर धाम मंदिर का एक परिक्रमा पूरा कर लिया है। यहाँ पे हम अभी घंटी बजा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो चलिए अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि देखिए मंदिर के अंदर आप लोग ऐसा नज़ारा देखते हैं। आप जैसे ही मंदिर में आते हैं तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। मंगलवार और शनिवार के दिन बागेश्वर धाम मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, और ये स्थान भक्तों से पूरा भर जाता है। आप देख सकते हैं कि लाल, काले और पीले रंग के नारियल मंदिर परिसर में बंधे हैं। मंदिर गर्भ के पास जो पेड़ लगा है, उसकी खासियत यह है कि जिस भी व्यक्ति को भूत बाधा होती है, वह व्यक्ति उस पेड़ से चिपक जाता है, और जब तक उस व्यक्ति की भूत बाधा दूर नहीं हो जाती है, वह पेड़ से चिपका रहता है। मंदिर परिसर में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी भगवान दास गर्ग की समाधि स्थल है। भगवान दास गर्ग भी एक सिद्ध संत थे, जिन्हें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज 9 वर्ष की उम्र से ही हनुमान जी की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि साधना पर उनका इतना असर हुआ कि बालाजी महाराज अर्थात हनुमान जी की कृपा से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुईं। मंदिर प्रांगण में ही कई भक्त बजरंग बली की साधना में लीन बैठे देखे जा सकते हैं। हमें करीब आधा घंटे लाइन में लगने के बाद बालाजी महाराज अर्थात बजरंग बली के दर्शन प्राप्त हुए।
कहा जाता है कि यहाँ बजरंग बली के दर्शन मात्र से ही सारे दुखों का नाश हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और शरीर ऊर्जावान बन जाता है। बजरंगबली मंदिर के सामने ही शिव मंदिर स्थापित है। शिव मंदिर का द्वार जाली वाला है, छोटा है, सकरा है। बड़े ध्यान से देखने पर ही मंदिर गर्भ में स्थित शिवलिंग हमें दिखाई पड़ता है। मंदिर प्रांगण के बाहर कई भक्त नारियल तोड़ते और धूप बत्ती जलाते नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने बागेश्वर धाम मंदिर के दर्शन किए। चलिए और भी हम आपको दर्शनीय चीजें यहाँ की दिखाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही अर्जी कार्यालय है, जहाँ आप अपना नाम, पता, फोन नंबर देकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये एक लॉटरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। मंदिर मुख्य द्वार के सामने ही एक भवन देखा जा सकता है। यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हर मंगलवार और शनिवार को विराजमान होते हैं और लोगों के कष्ट का निवारण करते हैं। इस भवन के अंदर एक बड़ा सा हॉल है, जहाँ एक आसन रखा देखा जा सकता है, जिस पर शास्त्री जी महाराज विराजमान होते हैं। यहाँ भवन के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा भभूति वितरित की जाती है। लोग इस भभूति को बजरंग बली का प्रसाद समझकर घर ले जाते हैं। परिवार के बीमार सदस्यों को ये भभूति देते हैं। कहा जाता है कि इस भभूति के सेवन से बीमारी और भूत बाधा समाप्त हो जाती है। इस भवन के अंदर ही बजरंग बली का एक विशाल काय गदा रखा देखा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप लोग बागेश्वर धाम आते हैं और आप लोगों को टेम्परेरी रुकना है, तो यहाँ पे टेम्परेरी रुकने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप आके कैसे विश्राम कर सकते हैं, नहा सकते हैं, बढ़िया सा नाश्ता कर सकते हैं। चलिए हम आपको पहले यहाँ पर रहने का दिखाते हैं कि आप यहाँ पर कैसे टेम्परेरी थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को टेम्परेरी यहाँ पर रुकना है, एक दिन का यहाँ पर चार्जेस 100 रुपये लिया जाता है। आपको यहाँ पे एक गद्दा दे दिया जाएगा रहने के लिए, और यहाँ पे देखिए लैट्रिन बाथरूम भी बने हुए हैं, जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं। तो इस तरीके से आप 100 रुपये में यहाँ बड़ी आसानी से ठहर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। जीवन की नैया तुम्हारी मर्जी, जीवन की नैया तुम्हारी मर्जी, बाबा की मर्जी। यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा बजरंग बली को झंडा अर्पित किया जा रहा है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, वो व्यक्ति बागेश्वर धाम मंदिर में झंडा अर्पित करता है। दोस्तों, ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे लोगों ने लहसुन और प्याज गुरु जी के कहने पर बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जितने भी होटल हैं, यहाँ पर लहसुन और प्याज के बिना ही खाना मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मंगलवार और शनिवार के दिन बहुत भीड़ होती है, तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी ये जगह यहाँ पर बनाई गई है। जो आप जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये कार पार्किंग की जगह है। जब भीड़ अधिक होती है तो यहीं पर कार पार्क की जाती हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं अन्नपूर्णा वाली जगह। अन्नपूर्णा वो जगह है बागेश्वर धाम में जहाँ पे भंडारा होता है, और भंडारा की टाइमिंग है सुबह 12 बजे से लेके 2 बजे तक और शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक यहाँ पर भंडारा होता है, और जहाँ भंडारा होता है उसे अन्नपूर्णा वाली जगह बोलते हैं। तो चलिए अब हम आपको वो अन्नपूर्णा वाली जगह दिखाते हैं जहाँ पर भंडारा होता है। मंदिर परिसर में और मंदिर परिसर के बाहर कई भोजनालय स्थित हैं।
यदि आप अन्नपूर्णा भंडारे का प्रसाद नहीं ले पाए हैं तो यहाँ भोजनालय में आप भोजन कर सकते हैं। जहाँ स्थित भोजनालय शुद्ध शाकाहारी है, जहाँ बिना लहसुन और प्याज का ही भोजन मिलता है। यहाँ आप घर ले जाने के लिए श्री बागेश्वर धाम की फोटो, माला और मूर्ति की कई दुकानें देख सकते हैं। मंदिर परिसर में ही कई मिठाइयों की भी दुकानें देखी जा सकती हैं, जहाँ से आप भगवान को अर्पित करने के लिए मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर के समीप खजुराहो और छतरपुर दो बड़े रेलवे स्टेशन हैं। खजुराहो से बागेश्वर धाम 25 किलोमीटर और छतरपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां आप आसानी से सीधा बस से पहुंच सकते हैं। यहां से किराया लगभग 50 रुपए ही होगा। बागेश्वर धाम में रहने के लिए यात्री निवास भी बने हैं, जहाँ महज 100 रुपए में एक दिन आप रुक सकते हैं। यहाँ भोजनालय में 60 रुपए में मनचाहा पेट भर भोजन भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने बागेश्वर धाम के आपको संपूर्ण दर्शन कराए हैं। बजरंगबली के दर्शन कराए, समाधि स्थल दिखाई है, शिव जी के दर्शन कराए हैं, यहाँ पे रुकने के स्थान दिखाए हैं, खाने के लिए, प्रसाद के लिए सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।